गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इन द चैप्टर ऑफ नेचुरल फिनोमिना वी हैव स्टडीड चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। रबिंग से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरली जो चार्जेस होते हैं दीज आर ऑफ टू टाइप, हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, दीज आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इधर वो पॉजिटिव पॉजिटिव हों, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी हम करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसमें हमने क्या करना है, हम कोई भी दो बलून ले लें और उनको फुला लें। ठीक है, जैसे ये बलून आपको इसमें फिगर में दिख रहे हैं, और उनको इस तरीके से आप हैंग कर दो जिससे कि वो एक दूसरे से टच ना हो। जब वो एक दूसरे से टच नहीं होंगे देन दोनों बलून को किसी भी एक वुलन क्लोथ, किसी भी एक सिल्क के कपड़े से, वुलन कपड़े से आप उनको रब कर दो। रब करेंगे तो दोनों पे चार्ज आ जाएगा, दोनों पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जब दोनों पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया तो एक जैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा बलून पे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं। दूसरी एक्टिविटी ये रिफिल वाली, जो आपकी पेन के अंदर प्लास्टिक की रिफिल होती है, ठीक है, उसको एक कांच के ग्लास में डाल लीजिए आप, या किसी भी प्लास्टिक के ग्लास में, मग में डाल लीजिए, और उसके बाद उस जो रिफिल है उस रिफिल को आप किसी भी कपड़े से, सिल्क के कपड़े से, वुलन कपड़े से, प्लास्टिक से, किसी भी चीज से उसको जो है रब कर दो। रब करने से उस पर एक चार्ज आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और जैसे ही आप उसके पास दूसरी कोई रिफिल लेके आएंगे सेम उसी तरीके से रब की हुई, तो दोनों पे चार्ज क्योंकि एक जैसा है तो वो उसको रिपेल करेगी और ये जो रिफिल है वो इस तरफ को मूव करने लगेगी। इस एक्टिविटी से आप ये कह सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अब अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अभी जो आपने एक रिफिल को और एक बलून को चार्ज किया था, हो सकता है उन पे एक जैसा चार्ज हो या हो सकता है उन पे अपोजिट चार्ज हो, तो आप इसको चेक करने के लिए भी क्या कर सकते हो, बलून को रिफिल के पास लेके आओ। जब बलून को रिफिल के पास लेके आते हैं और अगर वो अट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब कि दोनों पे अपोजिट चार्ज है। अगर वो रिपेल होते हैं, इसका मतलब दोनों पे सेम चार्ज है। ठीक है, अब चार्ज एक्वायर बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन पे सब पे अलग अलग चार्ज आता है। जैसे कि ग्लास रॉड को आप सिल्क से रब करते हैं तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये चार्ज को हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए एक फ्रिक्शनल ऑर्डर है। ठीक है, इस फ्रिक्शनल ऑर्डर में हम क्या करेंगे कि ये आपको देखो वूल है, फ्लेनल है, फर, सीलिंग वैक्स, ग्लास, पेपर, सिल्क, ये सारी चीजें दी हैं। अगर इन मटेरियल को हम एक साथ रब करते हैं तो जो इस ऑर्डर में ऊपर है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, जो नीचे है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने प्लास्टिक की एक रॉड ली और प्लास्टिक की रॉड को आपने वूल से रब कर दिया। ठीक है, प्लास्टिक की रॉड को आपने वूल से रब कर दिया तो प्लास्टिक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और वूल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक इसी तरीके से अगर हमें ग्लास ले और सिल्क ले लें, ग्लास की रॉड को सिल्क से अगर रब करना हो तब उसमें ग्लास पे जो, क्योंकि ग्लास ऊपर है तो ग्लास पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हम ये इस सीक्वेंस से हम ध्यान रख सकते हैं कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो और इस चीज को आप अपनी कॉपी में एज इट इज नोट्स की तरह लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।